वास्तु की अगर हम बात करें हैं, तो वास्तु में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेड़ों का। अब पेड़ पौधे तो हम अपने घरों में लगाते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कहां पर कौन सी पेड़ अगर लगाएं तो वास्तु के वो अनुरूप होता है और वो आपको वास्तु दोष से कई बार छुटकारा भी दिला सकता है। इसके अलावा कई बार हम गलत जगह पर गलत तरह के पेड़ों को भी लगा देते हैं या पौधों को भी लगा देते हैं, जिसके वजह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि किस डायरेक्शन में कौन से पेड़ लगाए। देखिए, पेड़ हमारे ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ हमें लगाने भी चाहिए, पौधे हमें लगाने भी चाहिए, खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छा होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि घर के कौन से डायरेक्शन में वास्तु के अनुसार कौन से पेड़ अगर आप लगाते हैं तो वो उस डायरेक्शन के, उस दिशा के अनुसार अच्छे होंगे, और इसके अलावा कौन से ऐसे पेड़ हैं जो कि उस दिशा में नहीं लगाने चाहिए। और कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में भी मैं अंत में आपको ये जानकारी दूंगा जिसे कि आप कहीं भी लगा लीजिए, आप अपने प्लॉट में, आप कहीं पर भी लगाइए, घर में कहीं पर भी लगाइए, तो वो अच्छे ही माने गए हैं वास्तु के अनुसार। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर आप कौन से पेड़ लगाएं जो कि आपके लिए अच्छे होंगे। नमस्कार, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य कहां से उदय होता है। सूर्य देखिए उदय होता है ईस्ट के डायरेक्शन से, राइट? ईस्ट मतलब पूर्व की दिशा से। तो हम सबसे पहले पूर्व की दिशा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्व की दिशा में कौन से ऐसे पेड़ है या पौधे ऐसे हैं जिसे कि आपको नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, पूरब की दिशा से क्योंकि सूर्य उदय होता है, तो वहां पर अगर आप कोई भी बड़े पेड़ों को अगर आप लगा देंगे तो वो सूरज की रोशनी को रोकेगा, जो कि हमारे आरोग्यता के लिए अच्छी नहीं है। आपके घर में पूरब की दिशा जितनी ज्यादा खुली हो, वहां से जितना ज्यादा हवा आए, वहां से जितना ज्यादा धूप आए, वो आपके घर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है, राइट? तो इसीलिए पूरब की दिशा में कभी भी कोई भी बड़े पेड़ों को ना लगाए, चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे वो आप पीपल का पेड़ हो, या कोई भी बड़े पेड़ों को आप लगाने से वहां पर आप रोके या आप ना लगाए। क्या लगा सकते हैं? देखिए, पूरब की दिशा ग्रोथ के लिए मानी गई है वास्तु के अनुसार, जो कि आपके लाइफ में ग्रोथ देता है, उन्नति देता है। और उन्नति के लिए एक बहुत ही अच्छे पेड़ मानी गई है, जिसे कि कई बार हम घास भी कहते हैं, साइंटिफिकली इसे घास कहा गया, वो है बैम्बू, मतलब बांस। जी हाँ, आप पूरब की दिशा में अगर आप बांस की आप पेड़ लगा दे, या फिर अगर आप घर में ही लगा रहे हैं, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, बांस का पेड़ नहीं लगा सकते, तो बांस के पेड़ की अगर आप एक पेंटिंग लगा दें तो वो आपके घर में ग्रोथ दे सकता है, आपके जीवन में काफी ग्रोथ दे सकता है। बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, वैसे तो मां लक्ष्मी की डायरेक्शन मानी गई है वास्तु के अनुसार, लिक्विड कैश की डायरेक्शन मानी गई है। यहां पर कोई भी अगर वास्तु दोष होता है तो आपके घर में पैसे से रिलेटेड समस्याएं होती है, पैसा आता नहीं। अब कौन से ऐसे पेड़ है जो कि इस डायरेक्शन में नहीं लगाने चाहिए? तो देखिए, वंस अगेन, जैसा हमने बोला कि बड़े पेड़ ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं लगाए जा सकते, तो अगर आपको लगाने हो तो आप चाहें तो बरगद का हो, या पीपल का पेड़ हो, या गूलर का पेड़ हो, इस डायरेक्शन में आपको नहीं लगाने हैं। अगर आपको लगाने भी हैं तो उनके दूसरे डायरेक्शन में आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो बड़े पेड़ ना तो आपको ईस्ट में लगाने हैं और ना ही साउथ ईस्ट में लगाने हैं। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट से भी सुबह के समय तकरीबन 9 बजे के आसपास सूर्य जो आपके घर में होता है साउथ ईस्ट में होता है, इसीलिए वहां पर किचन बनाने का प्रावधान बताया गया है वास्तु के अनुसार, जिससे कि खाना आपका अच्छा बने, स्वादिष्ट बने। तो अगर वहां पर बड़े पेड़ होंगे तो वो रोशनी को रोकेगा, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन या जिसे हम दक्षिण पूर्व के डायरेक्शन कहते हैं, वहां पर भी बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। क्या लगा सकते हैं वहां पर? क्योंकि ये जो दिशा है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की दिशा मानी गई है, और माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय एक जो फल माना गया है वो है अनार, पोमग्रेनेट, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो साउथ ईस्ट की दिशा में अनार का पेड़ अगर आप लगा दे, अनार का पौधा लगा दे, तो वो आपके लिए अच्छा होता है, ये उस डायरेक्शन को बैलेंस भी करता है। अगली जो दिशा है वो है दक्षिण की दिशा, जो कि हम साउथ कहते हैं। तो साउथ की दिशा में कौन से ऐसे पेड़ है जो कि नहीं लगाने चाहिए? तो देखिए, साउथ की जो ऐसी दिशा है, जब सूर्य जो है 12 बजे के आसपास दक्षिण की दिशा में होते हैं सूर्यदेव, ठीक है, और तेज धूप भी आती है, तो अगर आप चाहें तो साउथ की दिशा में ऐसे पेड़ लगाए जो कि बड़े हो। तो कौन से नहीं लगाने चाहिए? तो खास करके पाकड़। जी हाँ, पाकड़ का पेड़ साउथ की दिशा में आपको नहीं लगाना है। तो लगा क्या सकते हैं? तो आप अगर चाहें तो अशोक लगा दें, उस दिशा में काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा रोज आप लगा सकते हैं, गुलाब पौधे आप लगा दें गुलाब के। आप चाहें तो गूलर भी उस डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि उसका जो फल होता है वो लाल रंग का ही होता है। साउथ की जो डायरेक्शन है वो लाल रंग को ही रिप्रेजेंट करती है, वो फेम देता है, कॉन्फिडेंस देता है साउथ की दिशा। वैसे हनुमान जी की भी दिशा वही मानी गई है, साउथ की दिशा।
इसके बाद जो नेक्स्ट दिशा जो आती है वो है साउथ वेस्ट की दिशा, दक्षिण पश्चिम की दिशा, जो कि वास्तु में रिलेशनशिप की दिशा मानी गई है, संबंधों की दिशा, पितरों की भी दिशा यही मानी गई है साउथ वेस्ट, जिसे हम दक्षिण पश्चिम की दिशा कहते हैं। तो कौन सा पेड़ नहीं लगाने चाहिए यहां पर? तो देखिए, वैसे तो वास्तु कहता है कि कभी भी घर के दक्षिण पश्चिम की दिशा में, साउथ वेस्ट की दिशा में कभी भी ग्रीनरी नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को कोशिश करिएगा कोई भी ग्रीन कलर या पेड़ पौधे आपके साउथ वेस्ट की दिशा में ना आ जाए। लेकिन अगर आप सभी दिशा में लगा रहे हैं ना, सभी दिशा में कोई ना कोई अगर आप पेड़ लगा रहे हैं अपने घर में, तो साउथ वेस्ट में आप फिर लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने कौन से नहीं है? उस दिशा में कोई भी आप मिल्की प्लांट, जिससे कि दूध निकलता हो, जैसे क्रैक्टस वगैरह है, क्रैक्टस तो वैसे भी कहीं पर भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी पेड़ जिससे कि दूध निकलता हो उसे नहीं लगानी चाहिए। वट वृक्ष नहीं लगानी चाहिए, पाकड़ नहीं लगानी चाहिए। अब देखिए, पाकड़ के बारे में हमने साउथ में भी मना किया था और साउथ वेस्ट में भी हम मना कर रहे हैं। और क्या लगा सकते हैं साउथ वेस्ट की दिशा में जो कि उसे बैलेंस करता है? तो साउथ वेस्ट की दिशा वैसे इमली के लिए काफी उपयुक्त मानी गई है। जी हाँ, इमली का पेड़ आप साउथ वेस्ट की दिशा में लगा सकते हैं, ये उस डायरेक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। वैसे इमली को वैसे भी कहा गया है कि इमली बहुत ज्यादा, इमली के पेड़ कई बार नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप छोटा पौधा लगा दें, अगर वैसे पेड़ आ जा रहे हैं आप सारी तरफ में, अगर आप पेड़ों को लगा रहे हैं, तो इमली को भी आप वहां पर लगा सकते हैं साउथ वेस्ट की दिशा। अदरवाइज साउथ वेस्ट की दिशा में कोशिश करें पेड़ पौधों को आप अवॉइड ही करें। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप की दिशा है, वहां पर ग्रीन कलर आने से या किसी भी तरीके से ग्रीन कलर आने से वो आपके संबंधों को खराब करता है। आप चेक करिएगा अपने घर में और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके घर में कोई ग्रीन कलर का पौधा था और आपके घर में संबंध खराब होते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं? अगर ऐसा है तो आप जा करके चेक करिए, कहीं आपके घर के दक्षिण पश्चिम, आप कंपस लीजिए, घर के बीच में खड़े होइए, मोबाइल में कंपस आप डाउनलोड कर लीजिए और देखिए दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की दिशा कहां दिखा रही है और वहां पर कोई ग्रीन कलर, चाहे वो घर में आपने पेंट की हो ग्रीन कलर, चाहे आपने पेड़ पौधे रख दिए हो, या फिर किसी भी तरीके से ग्रीन कलर अगर आप साउथ वेस्ट में आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। नेक्स्ट जो दिशा है वो है वेस्ट की दिशा। वेस्ट मतलब पश्चिम की दिशा, जहां पर सूर्य अस्त होते हैं, सूर्यदेव वहां पर अस्त होते हैं। ये जो डायरेक्शन मानी गई है, यह प्रॉफिट्स एंड गेन्स की डायरेक्शन मानी गई है वास्तु के अनुसार। यहां पर कभी भी आप वट वृक्ष ना लगाए इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट, जो कि तकरीबन 270 डिग्री अगर आप कंपास में चेक करने जाएंगे, तो यहां पर आप वट वृक्ष ना लगाएं। क्या लगा सकते हैं आप? चाहे तो पीपल लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में, पीपल का पेड़ अच्छा माना गया है अगर आप वेस्ट की दिशा में आप पेड़ लगाते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो दिशा है वह है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। नॉर्थ वेस्ट की दिशा मानी गई है चंद्रमा की वैसे दिशा, वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये सपोर्ट की भी दिशा है। लाइफ में कोई भी सपोर्ट चाहिए आपको तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कोई सरकार से आप कोई सहायता लेना चाहते हो और नहीं मिल पा रहा है, तो आप जाकर के घर के नॉर्थ वेस्ट की दिशा को चेक करें, कहीं वहां पर वास्तु दोष तो नहीं है। क्या नहीं लगानी चाहिए, हम इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में कभी भी आप वट वृक्ष हो या गूलर हो, इस तरह के पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, या फिर कोई कांटे वाले पेड़ या फिर पौधे इस डायरेक्शन में आप ना लगाएं। क्या लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में? अगर आप चाहें तो बेल का पौधा या बेल का पेड़ आप लगा दें। बेल वैसे भी बहुत अच्छा है, भगवान शिव को चढ़ता है, सिरफल आपको वहां से मिल जाता है, तो आप वो वहां पर लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, जिसे हम उत्तर पश्चिम की दिशा हम कहते हैं। अगला जो डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ है, मतलब उत्तर की दिशा। अब उत्तर की दिशा में कौन सा ऐसा पौधा है या पेड़ है जो कि हमें नहीं लगाना? तो याद रखिए, वास्तु कहता है कि उत्तर की दिशा जितनी हल्की हो उतना अच्छा है। उत्तर की दिशा अगर भारी हो जाएगी, वहां पर अगर आप बड़े बड़े दरख्त लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे, तो वो वास्तु के अनुसार वो बहुत ही खराब माना जाता है और इससे फिर वास्तु दोष भी धीरे धीरे करके बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि बड़े पेड़ कभी भी, कोई भी बड़ा पेड़, चाहे वो पीपल हो, बरगद हो, कोई भी तरह का बड़ा पेड़ नॉर्थ की दिशा में ना आ जाए, इसे आप अवॉइड करिए। गुलर ना आ जाए, क्योंकि गुलर का जो फल होता है रेड होता है। नॉर्थ की दिशा में अगर रेड कलर अगर आता है आपके घर में, तो याद रखिए पैसे की सेविंग्स नहीं हो पाती है। अगर नॉर्थ की दिशा में मान लीजिए आपके किचन अगर आ गया तो भी सेविंग से रिलेटेड वो दिक्कत करता है, टॉयलेट आ गया तो भी दिक्कत है। कौन से पेड़ लगा सकते हैं उत्तर की दिशा में? उत्तर की दिशा में अगर आपको लगाने भी है तो शमी, वैसे तो शमी का जो पेड़ है या पौधा है वो शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। पाकड़ आप लगा सकते हैं उत्तर की दिशा में, और छोटे कोई भी प्लांट आप लगाए, सजावट वाले प्लांट आप लगाए इस डायरेक्शन में उत्तर की दिशा में, तो वो हमेशा अच्छा ही माना गया है। लास्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, भगवान शिव की भी डायरेक्शन है मानी गई है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन
हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मानी गई है। यहां पर कभी भी कोई भी किचन आया, टॉयलेट आया, तो याद रखिए बहुत ही गंभीर बीमारियां आपको हो सकती है। या फिर अगर आपके घर में किसी को भी गंभीर बीमारियां, तो चेक करिए कहीं नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कहीं टॉयलेट तो नहीं आ रहा, कोई किचन तो नहीं आ रहा, कोई कट तो नहीं है, कोई वास्तु फॉल्ट तो नहीं है। तो पेड़ कौन से नहीं हो सकते? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कभी भी जामुन का पेड़ आप ना लगा दें, वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और कोई भी बड़े पेड़, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया उत्तर की दिशा हल्की होनी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट भी उत्तर की दिशा है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो इस दिशा में कभी भी बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। क्या हो सकता है? आप चाहें तो आंवला लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में, आंवले का पेड़ इस डायरेक्शन में अच्छा माना गया। तो ये मैंने आपको बताया कि हर डायरेक्शन अलग अलग, 8 डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया कि कौन से पेड़ को आपको नहीं लगाना है, कौन से पेड़ या पौधे आप लगा सकते हैं। अब आगे मैं कुछ ऐसे टिप मैं देने जा रहा हूं जो कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा दीजिए और वो आपके लिए अच्छा ही माना गया है वास्तु के अनुसार। ये जो अभी तक हमने बात किया कौन सा किस डायरेक्शन में लगाना है, कौन सा किस डायरेक्शन में नहीं लगाना है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसे आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये पेड़ आपके उस डायरेक्शन में थे जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो कि आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दें तो वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहला जो पेड़, ये तो हम सभी को पता है, वो है तुलसी। जी हाँ, माता तुलसी। अब तुलसी 2400 घंटे आपको ऑक्सीजन देती है, उसका जड़ बोल ले, तना बोल ले, उसका फूल बोल ले या फिर उसकी पत्ती, हर कुछ कारगर है। उसे आप किसी भी डायरेक्शन में घर में लगा दें, उससे कोई दोष नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। वैसे सबसे अच्छा माना गया है तुलसी का जो पौधा है उत्तर या फिर पूरब की दिशा में। पूरब की दिशा में इसलिए भी क्योंकि पूरब से सूर्योदय होते हैं, तो एक बार में जब आप तुलसी को, माता तुलसी को जब आप जल देते हैं तो सूर्य देव को भी आप जल साथ ही साथ आप दे पाते हैं। वैसे आप कहीं पर भी लगा ले। इसके अलावा नीम का पेड़ जो है वो बहुत ही अच्छा माना गया है। नीम का पेड़ आप कहीं पर भी लगा ले, उससे भी वास्तु में बताया गया है कि वास्तु के अनुसार इससे कोई वास्तु दोष नहीं होता। आप चाहे तो गुलाब लगा ले, गुलाब आप किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, एक्सेप्शनल है, सुगंध है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है गुलाब का पौधा। इसके अलावा और आप क्या लगा सकते हैं? आप जैस्मिन लगा सकते हैं, आप लैवेंडर लगा सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए, संबंधों के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा आप चाहे तो अशोक के पेड़, आपने अक्सर देखे होंगे अशोक के जो पेड़ है वो लगाए जाते हैं, आप चारों दिशा में लगा ले, प्रोटेक्शन का काम करता है, वास्तु दोष से बहुत हद तक आपको राहत देता है। अर्जुन का पेड़ आप लगा सकते हैं, सिनेमन, अगर दालचीनी आप लगा सकते हैं अगर आप लगा पाए तो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सैंडल आप लगा सकते हैं, चंदन अगर आप लगा पाए तो, अपराजिता का आप पौधा आप लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, शमी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, शमी को भी आप लगा सकते हैं, शमी का काफी महत्व है। आप नारियल का पेड़ कहीं पर भी लगा सकते हैं, मैंगो आम हम सभी को पसंद है, आप वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने पेड़ों के बारे में मैंने बताया, पौधों के बारे में मैंने बताया जो कि आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दिए। और इसके अलावा घर के अंदर अगर आपको लगाने हो तो फाइकस है, और भी एयर प्यूरीफायर वाले बड़े सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि एयर को प्यूरीफाई करते हैं। आप ऐसे पौधे ला करके आप घर में, अपने ऑफिस में आप लगा करके रखें, वहां के वातावरण को वो काफी अच्छा करके रखता है। आप ऐसे पौधों को घर में जरूर लगाएं या ऑफिस में आप जरूर लगाएं। आई होप कि ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ नया पता चला होगा कि कौन सा पेड़ कहां पर हम लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर तरह के आपको पौधे अगर लगाने हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और आपको कोई नॉलेज शेयर करूं, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर वैसे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बीच में जो मैंने जो टिप्स दिया, रिलेशनशिप की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, पैसे की डायरेक्शन पैसे जो आते हैं साउथ ईस्ट से है, पैसा सेविंग की डायरेक्शन नॉर्थ है, सपोर्ट की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट है, आप इन सब चीजों को भी अपने घर में चेक करिए कि वहां पर कोई वास्तु दोष तो नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के साथ में शेयर करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।